हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्लीव डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये बो अटैच किया है और नीचे हमने ये पैच लगाया। आप चाहे तो इसे भी नहीं लगा सकते, सिर्फ बो लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे पैच लगा के इसके ऊपर ये बो अटैच किया है। ये देखिए, यहाँ पे दोनों साइड से मैंने अटैच कर लिया और लेस लगाई है। तो कैसे इसे सिलते हैं तो देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये स्लीव लेंगे। तो हमने स्लीव पहले से तैयार कट करके रखी है। तो इसे हम इस तरह सेंटर में इसे फोल्ड करेंगे। इसे सेंटर से फोल्ड करने के बाद तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर 2 इंच लेंगे और इसे हम इस तरह से तिरछी लाइन से इसे यहाँ देंगे, इस तिरछी लाइन, और इसे कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब इस पर हम लाइनिंग अटैच करेंगे। यह हम ये राइट साइड है, इस पर हम ये लाइनिंग इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ से बॉटम की तरफ सिलाई लगाते हुए इस तरह से हम इसको ट्रायंगल को भी सिलाई लगाएंगे और नीचे बॉटम की तरफ भी। अब इसे हमें ये जो लाइनिंग इसे कट कर लेंगे। और यहाँ हम सेंटर में थोड़ा सा सिलाई तक थोड़ा कट लगाएंगे तो सिलाई ना कटे हमारी। थोड़ा सा हम कट लगाएंगे यहाँ साइड से ताकि हमारी हम जो भी इसे सीधा करें तो अच्छे से सीधा कर सके। और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे पहले। इसकी हम नोक अच्छे से निकाल लेंगे। अब फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो मेरे पास इस तरह की लेस है तो मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगी।
ये देखिए, इस तरह से हम लेस अटैच कर लेंगे। अब हम इसे डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे लेस अटैच कर ली। अब हम ये फैब्रिक लेंगे, जो भी आप पैच लगाना हो। तो मैं यहाँ पे लूँगी 3.5 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी और इसकी लेंथ लूँगी 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम नीचे बॉटम की तरफ से इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम इसे सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालने के बाद इस पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब इस सेंटर से हम 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब जहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया, हम इस पर अटैच करेंगे। पहले पिनअप कर लेंगे इसे इस तरह से। ये देखिए, पहले हम इस तरह पिनअप कर लेंगे इसे। तो इसे पिनअप करने से पहले हम इस पर एक लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसे लेस पहले अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये लेस लगा दी। अब इसके ऊपर हम जहाँ पे हमने निशान लगाया, तो इसे हम पिनअप कर लेंगे इस तरह से। सेंटर पे सेंटर रखेंगे। तो पहले हम सेंटर पे इसे निशान लगा देंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने ये पैच अटैच कर लिया। अब इसके अंदर हम ये बो लगाने के लिए इस तरह के हम 2 स्ट्रिप लेंगे। तो हमने इसकी चौड़ाई ली 4 इंच और इसकी लेंथ ली 2.5 इंच। तो इसको हम राइट साइड पे राइट साइड रख के इसे सभी जगह को सिल लेंगे। सिर्फ एक जगह हम थोड़ा सा गैप रखेंगे इसे सीधा करने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने सब जगह उसको सिलाई लगा दी और यहाँ से हमने गैप रखा है, तभी से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसे सिल लिया। अब हम यहाँ से इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे, जो हमने गैप छोड़ा था। तो हम इसे यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगने में अब हम सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे इसके। तो हम यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से एक धागा हम खींचेंगे इसका। इस तरह धागा खींचने के बाद इसका हम इस तरह से ये धागे लपेट लेंगे सेंटर से। और इसके गार्ड बांध देंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से अब हम ये लेंगे फैब्रिक और इसे हम यहाँ से
सिलाई लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसे सीधा कर लिया। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। और इसे सिलाई से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ से सुई धागे से हम इसे लेंगे और फिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये वहाँ पे बो तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर हम यहाँ से दोनों साइड से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे स्लीव डिजाइन तैयार कर लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।